हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चाहे आपके जो है अगर कम परसेंटेज भी है, फिर भी आपको जो है इस बार कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। कंप्लीट वीडियो इस पे है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको BBS एंड HDP डिप्लोमा से संबंधित वेटनरी की न्यू अपडेट दी जाती है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पशुधन सहायक के जो फॉर्म है वो अभी शुरू हुए थे। जो स्टूडेंट ये पशुधन सहायक का डिप्लोमा करना चाहता है वो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, एंड 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो स्टूडेंट उससे पहले पहले जो है अपने जो फॉर्म अप्लाई है वो शुरू कर देने। उसके बाद में स्टूडेंट एक चीज़ जो है, काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि सर जो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट बता दो सर, ताकि हम पहले से जो है तैयार रख सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट से संबंधित होगा, तो आप जो है आपको मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। उसके बाद में क्या होगा ना, जब काउंसलिंग के टाइम है ना, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ कि यार क्या खुशखबरी है, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर क्या फॉर्म में कोई चेंज करना है क्या, जिसकी सहायता से हमें जो है कम परसेंटेज है, जैसे कि किसी के 65 है, किसी के जो है 70% है, तो सर क्या हमें भी जो है कॉलेज मिल सकता है। अगर एक स्टूडेंट मैं आपको चीज़ बताता हूँ, 2020 के अंदर जो है, 2020 के अंदर अगर मैं बात करूँ कि किनको नहीं मिला था, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 2020 की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है। तो स्टूडेंट जो कट ऑफ रही थी 2020 में सेकंड लिस्ट की अगर मैं बताऊं, तो 2020 में जो है फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद में जो है सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन स्टूडेंट जो थर्ड लिस्ट है वो जारी नहीं हुई थी। ये एक जो है थर्ड लिस्ट जारी नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इस बार क्या चांस बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो 2020 की जो कट ऑफ है सेकेंड लिस्ट की, वो है लास्ट स्टूडेंट 70%। अब 70% वालों को कॉलेज मिल गया था, ठीक है, लेकिन जो है जिनके भी 79 पॉइंट, अगर 99 भी थे ना, वो स्टूडेंट को कॉलेज 69.99 अगर परसेंटेज थे, उस स्टूडेंट को जो है कॉलेज नहीं मिला। एंड उसको भी मिल जाता, जो थर्ड लिस्ट अगर जारी हो जाती तो उसको भी जो है कॉलेज मिल जाता। 2019 में स्टूडेंट तीन लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कि फर्स्ट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज एंड किसी को प्राइवेट कॉलेज, सेकंड लिस्ट में 70% वालों को मिल गया था, एंड थर्ड लिस्ट में जिनके भी 65 से अबाव थे ना, उनको भी मिल गया था। तो स्टूडेंट 2021 के यहाँ पर मैं आपके लिए देखिए बात एक बताना चाहता हूँ, ऐसा अगर हो गया ना, तो स्टूडेंट कंफर्म है कि जिनके कम परसेंटेज है उनको 100% कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि स्टूडेंट अगर पिछली बार की तरह रहा तो बहुत कम चांस है कि कम परसेंट वालों को जो है कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि 2021 में जो 12th में प्रमोट हुए स्टूडेंट उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटेज है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि कम परसेंटेज वाले रह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, तो उसमें जो है आपने जो है आपको जो है 10th के भी परसेंटेज पूछे गए थे, उसी के साथ में 12th के भी परसेंटेज पूछे गए थे। तो जो प्रमोट हुए स्टूडेंट वो खुश हो रहे हैं कि जिसके बनने चाहिए थे 60%, लेकिन प्रमोट के कारण उसके बन रहे हैं 80%। तो देखिए विभाग की ओर से जो है आपके 10th एंड 12th का दोनों का कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी अगर आपके 10th के अंदर मान लो किसी स्टूडेंट के जो है 75% है, और अगर उसके 12th के अंदर उसके 80% बन रहे, तो वो तो सही है, लेकिन किसी स्टूडेंट के 10th के अंदर तो बन रहे हैं 59 मान लो, एंड उसके 12th के अंदर बन रहे हैं मान लो 85, तो इसमें जो है थोड़ी सी हो सकती है उनको प्रॉब्लम। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेहनत भी की होगी, तो अभी फ़िलहाल जो है हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन HDP जो है डिप्लोमा में अगर इस बार स्टूडेंट तीन लिस्ट जारी हो जाती है, जो मैं आपको बड़ी खुशखबरी बता रहा था कि अगर तीन लिस्ट जारी हो जाती है, तो स्टूडेंट जो कम परसेंटेज वाले हैं उनको बहुत अधिक चांस रहते कि कॉलेज मिल जाए।
क्योंकि स्टूडेंट जो फर्स्ट लिस्ट जारी होती है, फर्स्ट लिस्ट, कहीं ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको कॉलेज भी अलाउड होता है लेकिन बाद में उनका मूड बदल जाता है, किसी अन्य कोई कोर्स कर लेते हैं, किसी अन्य में नंबर आ जाता है, कुछ ऐसे बहुत से जो है कारण रहते हैं। ऐसे में कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है। मान लो फर्स्ट लिस्ट में सीटें वैकेंट रही, उसके बाद में सेकेंड लिस्ट में कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, तो फिर जब थर्ड लिस्ट जारी होती है, एंड स्टूडेंट जब भी लिस्ट जारी होती है ना, तो वह एक दो सीट पर नहीं होती है, वह होती है जब अधिक सीटें वैकेंट रहती है तभी। तो अगर इस बार अगर स्टूडेंट आपके भी, अगर जो है मैं कामना करता हूँ कि तीन लिस्ट जारी हो, क्योंकि अगर तीन लिस्ट जारी हो गई ना, तो स्टूडेंट जिनके भी जो है मेरे साथी हैं उनके कम परसेंटेज है, उनको अगर उन्होंने चॉइस में अपने सभी कॉलेज रखे हैं तो उनको 100% कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।